उनको फिर कुछ जगह मिल जाए जी। सरकार बनी बोलिए तो उनको नहीं ना बनाया जी, तो उसी के चलते हमको तकलीफ थी जी। लेकिन जी। आप बेचारे कुछ बोल रहे हैं, उनको जरूर रोज बोलना चाहिए और जरूर रोज बोलेंगे तो अगर कहीं केंद्र वाले लोग उनसे फिर खुश हो जाएं तो बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा होगा। इसलिए रोज बोलते रहे, ठीक है। तो इनके पार्टी के अंदर बड़ी संख्या में लोग राजद में जाने के लिए इच्छुक है, इस पार्टी को तो टूटने से कोई बचा नहीं सकता, नीतीश जी भी नहीं बचा सकते। तो नीतीश जी ने जदयू के अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर बनाकर अपनी पूरी पार्टी और सरकार सौंप दी है राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में। अब ये उनकी दया पर, उनकी कृपा पर है, किस मजबूरी में उनको बनाया ये मुझे पता नहीं है। तो इसलिए देखिए, ये सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, और जिस दिन नीतीश जी कुछ बाएं दाएं करेंगे, लालू यादव को नीतीश जी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, दो बार धोखा दे चुके हैं, फिर अगली बार कब धोखा देंगे ये पता नहीं है, बहुत सतर्क है वो, जरा सा भी नीतीश जी बाएं दाएं करेंगे तो उनकी उनकी पार्टी को तोड़ देंगे। और देखिए, जदयू के विधायकों को मालूम है कि अब नीतीश जी की का प्रभाव कम होता जा रहा है, उनका जो जनाधार वो घटता जा रहा है, 115 से घटकर 71 पर आ गए, 71 से घटकर 45 पर आ गए, और ये भी मालूम है कि अगला विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो इनके पार्टी के अंदर बड़ी संख्या में लोग राजद में जाने के लिए इच्छुक हैं, तो इस पार्टी को तो टूटने से कोई बचा नहीं सकता, नीतीश जी भी नहीं बचा सकते, तो पार्टी टूट जाएगी और ये पार्टी को लालू यादव जब चाहेंगे तोड़कर अपना बहुमत हासिल कर लेंगे और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना लेंगे। सुशील मोदी का एक सरकार गिर जाएगी सर, जल्दी कहिए सुशील जी, सुशील जी कह रहे तो कहिए जल्दी की करा दीजिए ताकि उनको फिर कुछ जगह मिल जाए। सरकार बनी बोलिए तो उनको नहीं ना बनाया, तो उसी के चलते हमको तकलीफ थी। लेकिन अब बेचारे कुछ बोल रहे हैं, उनको जरूर रोज बोलना चाहिए और जरूर रोज बोलेंगे तो अगर कहीं केंद्र वाले लोग उनसे फिर खुश हो जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छा होगा। इसलिए रोज बोलते रहे, ठीक है।